वो सहाबा जिनके बारे में कहा गया उलाएकहुम खैरुल बरिया, ये कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक, सबसे बेहतरीन मखलूक, जिनके बारे में कहा गया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जन्नत से भी बड़ी नेमत का जिनके बारे में दुनिया में ऐलान कर दिया गया कि अल्लाह इनसे राजी है, जिनका एक लम्हा नबी के सामने खड़े रहना हमारी पूरी जिंदगी पर भारी है, एक लम्हा, एक मिनट भी नहीं, नबी के सामने खड़े हो गए वो, उनका एक लम्हा खड़े हो जाना हमारी पूरी जिंदगी पर भारी। जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गालियां ना देना, फवल्लजी नफ्सी बियदी لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا, अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर, उहुद पहाड़ कितना बड़ा, 6 किलोमीटर चौड़ा है, 6 किलोमीटर कम से कम, और उसकी ऊंचाई का और लंबाई का अंदाजा आप लगा लीजिए, उहुद पहाड़ के बराबर सोना, चांदी भी नहीं, कोई और सामान भी नहीं, गेहूं चावल भी नहीं, सोना खर्च किया हो किसी एक सहाबी ने, नबी ने नाम भी नहीं लिया कि अबू बकर ने कि उमर ने कि उस्मान ने कि अली ने, एक सहाबी, और तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो किसी सहाबी ने एक मुद या आधा मुद, 600 ग्राम या 300 ग्राम कोई मामूली सी चीज भी अल्लाह के रास्ते में सदका की है, तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना वहां तक नहीं पहुंच सकता। सहाबा को गालियां देके ईमान कहां बच जाता है, मैं सब असहाबी फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाईन, जो मेरे सहाबा को गालियां दे उस पर अल्लाह की फरिश्तों की कायनात के तमाम इंसानों की लानत हो। सहाबा अल्लाह का इंतखाब है, जो सहाबा को बुरा कहे, जो सहाबा को बुरा कहे वो अल्लाह को बुरा कह रहा है, जो सहाबा को बुरा कहे वो नबी की तरबियत पर उंगलियां उठा रहा है, जो सहाबा को बुरा कहे वो कुरान की बेहुर्मती और तोहीन कर रहा। सहाबा को दरमियान से निकाल दो तुम ईमान वाले नहीं बचते। सारा काम सहाबा ने किया, वो कहते हैं मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, देखा देखी देखे आज शिया तो खैर खुलेआम गालियां देता, अबू बकर ने उमर ने उस्मान ने अली के हक पर कब्जा कर लिया, नऊज़ु बिल्लाह, कहते कुरान के 40 पारे थे, 10 पारे इन लोगों ने छुपा लिए, उन 10 पारे में नबी ने और अल्लाह ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के बारे में बातें लिखी थी, अली रज़ियल्लाहु अन्हु का तज़किरा था, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को नऊज़ु बिल्लाह ज़ानिया करार देना, कहते दोनों ने नबी को जहर देकर के मार दिया, किस किस का नाम लीजिए साहबा हमारे यहां देख, बस हाँ हम ठीक है हमने सुन लिया, सुनना नहीं है, सहाबा का मनहज अपनाना हमारे लिए जरूरी है, कुरान और हदीस को समझने के लिए सहाबा का फहम और सहाबा का मनहज होना चाहिए, हमारी इबादतों के लिए अगर सहाबा का तरीका नहीं है कि जिनकी आंखों ने, मैंने इससे पहले भी कहा है कायनात में सहाबा के बाद आने वाला जो चाहे बन ले, लेकिन सहाबी नहीं बन सकता, साहबी नहीं बन सकता, जो चाहे बल्ले, खलाओं में पहुंचे, फजाओं में उड़े, हवाई जहाज चलाए, रॉकेट चलाए, चांद पर पहुंचे, सूरज तक पहुंच जाए, कुछ भी बन जाए, साहबी नहीं बन सकता। वो साहबा को गालिया, वो भी कहां से, इस्लाम कुरान के नाम पर लगाए जाने वाले स्टेज से, दीन के नाम पर लगाए जाने वाले स्टेज से साहबा को गालिया, वो भी किस महीने में, मुहर्रम के महीने, हुर्मत वाले महीने, कोई एहतराम, तो 4 लोगों को सुन लिया, वो फला ऐसा बोलता है, फला ने ये हदीस में सही बुखारी की हदीस बयान की है, वो उसके औकात क्या, वो हदीस बुखारी की हदीस को समझे, बुखारी की हदीस जिसको अरबी पढ़ना नहीं आता वो बुखारी की हदीस को की तशरीह करके लोगों को गुमराह कर रहा, गुमराहियां फैला रहा, और हमारे लोग सुन सुन करके ईमान ला रहे, इंजीनियर अली मिर्जा जैसे लोगों को, अब ये लोग बताएंगे कि सहाबा कौन थे और किन्होंने क्या किया, किन्होंने क्या नहीं किया, हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात काफी नहीं, अरे छोड़ो नबी की बात, कुरान
आप कुरान कुरान पढ़ो, आप जगह जगह अल्लाह ने सहाबा का तज़किरा किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह ने हर मौके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तज़किरा किया। हम भूल जाते, ध्यान नहीं देते सहाबा के बारे में जानना। सहाबा, अरे सहाबा का अल्लाह ने इम्तिहान लिया इसी दुनिया में। उलाइकल लज़ीन इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, अल्लाह ने तकवा के लिए उनके दिलों का इम्तिहान लिया तो एकदम मजबूत पाया, एकदम मजबूत। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे हम जिनकी लोग तकलीद करते हैं, ये बोलने वाले जिन इमामों को मानते हैं, सारे इमाम एक तरफ, सारे इमाम एक तरफ। नबी का कोई अदना सा सहाबी भी जो नबी की जिंदगी में सबसे आखिरी सहाबी रहा, जिसने नबी के साथ एक लम्हा एक मिनट गुजारा, ये सारे इमाम मिलकर के भी उस सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। और हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है किसी ऐरे गैरे नथु खैरे की बात को सुन करके हम इन पर कीचड़ उछालते, उन पर कीचड़ उछालते, कहते मुआविया और अबू सुफियान ने सिफारिश की थी इसलिए नबी ने जो है उनका नाम शामिल कर दिया था। नबी ऐरे गैरे थे कि किसी की सिफारिश पर किसी को कहीं शामिल कर देंगे? नऊज़ु बिल्लाह। कहते हैं मुआविया हिदायत पर नहीं थे इसलिए नबी ने दुआ किया कि अल्लाहुम्मा जालू हादियम हदिया, अल्लाह मुआविया को हिदायत वाला बना दे। तो तुम्हारी यही दलील है कि नबी ने उनके लिए हिदायत की दुआ की, तो नबी ने तो नमाज में पढ़ाया ना इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, तो नबी सीधे रास्ते पर नहीं थे नऊज़ु बिल्लाह। किसी चीज के लिए दुआ मांग लेने का ये मतलब नहीं है कि बंदे के पास वो चीज नहीं। इस महीने में, हुर्मत वाले महीने में, मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने वाला सहाबे किराम को गालियां देता है, ऐसा बंदा इस्लाम वाला नहीं हो सकता, ऐसा बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।